आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राधोगढ़ थाना क्षेत्र के आवन गांव में नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर सोयाबीन से भरा ट्रक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कच्चे मकान के ऊपर जा गिरा और ट्रक पलट गया। पास में ही बिजली के खंभे से टकराने से बाल बाल बचा ट्रक। खंभे से टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर को हल्की चोटें आई हैं। ट्रक अशोकनगर से सोयाबीन भरकर इंदौर जा रहा था। इसी बीच आवन गांव के पास ट्रक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में जा पलटा। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जटाशंकर कसौरिया आज गुना पहुंचे। यहां उन्होंने सफाई कर्मचारी यूनियनों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने गुना आने का उद्देश्य बताया कि जिन कर्मचारियों के पास अपने खुद के मकान नहीं हैं, उनको आवास उपलब्ध कराना और सफाई कर्मचारियों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों का समाधान करना। सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को भी लेकर वह गुना पहुंचे। पाँच किस्तों में देना है। पाँच किस्तों में देना है तो 40-40 हज़ार की किस्तें हैं वो 60,000-40,000। जैसे कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर आप पिछली बार सदस्य रहते हुए और दौरे के दौरान चंद्रदूत मांग उठी थी कि सफाई कर्मचारी 10-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको इस तरह करें। हमने वार्षिक रिपोर्ट जो आयोग की प्रस्तुत की थी, उसमें पहली बात ये रखी थी मुख्यमंत्री जी के सामने कि इस तरह किया जाए सफाई कर्मचारी जो 10-20 साल से काम करते हैं। नहीं है, डेरा बस्ती जा रही हूँ, एक दो टेम की एक टेम की ड्यूटी मिलती है, इससे क्या हो गया, लड़की जवान हो। देखिए 20 मार्च 2013 को मुझे आयोग में जब सदस्य नियुक्त किया गया था, पूरे मध्य प्रदेश के 365 नगर परिषद और नगर पालिकाएँ और मध्य प्रदेश के 14 नगर निगमों का मैंने भ्रमण किया था और सभी दूर से सफाई कामगारों की एक ही आवाज़ उठती थी कि हमें इस तरह किया जाए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारे पास मकान नहीं है, मकान की व्यवस्था की जाए। हमने जब अपना प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को प्रस्तुत किया, उसमें सफाई कर्मचारियों को स्थायी किए जाने, उन्होंने मकान देने की बात कही गई थी। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उस बात को स्वीकार करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा कर दी है और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 50,000 सफाई कर्मचारी स्थायी होंगे। सभी दूर से DD को सूची दी जा रही है और शासन आदेशों का पालन किया जा रहा है। साथ ही देश आज़ाद हुआ तब से लेकर पिछले 70 वर्षों में सफाई कर्मचारियों को किसी भी योजना के अंतर्गत मकान बनाकर नहीं दिए गए थे। पहली बार माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को भी मकान बनाकर देने तथा जिनके कच्चे मकान हैं उनको 2.5 लाख रुपये राशि देने के आदेश किए हैं। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज में हर्ष व्याप्त है। आज मैं गुना दौरे पर आया हूं, यहां के CM हूं और सफाई कर्मचारियों के साथ अभी बैठक होना है। इसमें यहां की जानकारी लेना है कि कितने लोग यहां पर स्थायी होंगे जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं और कितने ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनको 2.5 लाख रुपए का यहाँ भुगतान कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की भारी जवाबदारी है कि वे अपना शहर स्वच्छ रखें जिससे यहाँ के नागरिक स्वस्थ रह सकें। साथ ही हम CMO को निर्देश देते हैं कि सफाई कर्मचारियों को जो संसाधन समय पर उपलब्ध होना चाहिए वो सफाई के संसाधन उपलब्ध
15 दिन के अंदर अंदर कराएं, जिससे सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था को और सुचारू रूप से अंजाम दे सके। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के आज 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज आरोन नगर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह रघुवंशी द्वारा मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सभी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अपने 12 वर्ष पूर्ण करने ले पर बधाई दी। अध्यक्ष साहब बुला लो यार, इन्हें का होगा अध्यक्ष साहब यार। बात आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। राधोगढ़ में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन कर रैली निकाली। संचलन आईटीआई मैदान से शुरू होकर राधोगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची। वहां पर रैली का समापन हुआ। इस बीच रैली का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। म्याना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को सिखाए नृत्य के टिप्स। स्पीक मै के संस्था के माध्यम से जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय म्याना में भारतीय नृत्य कला का समाज विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना सुश्री समीक्षा शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय म्याना में कथक नृत्य प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं को नृत्य की बारीकियों को समझाया। इस नृत्य के टिप्स को देख कर छात्राओं में भी कुछ नृत्य करने का मन हुआ और सभी छात्र छात्राओं ने नृत्य का लुत्फ भी उठाया। जो जानकारियां दी साथ में उन्होंने उन विधाओं को करके दिखाया और उसकी तकनीक को यहाँ दिखाया। मुझे बड़ा हर्ष है कि ये उनके इस कला का प्रदर्शन मेरे स्कूल के विद्यार्थियों को मिला। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दो पक्षों में चले लाठी फरसे, हुआ क्रॉस प्रकरण दर्ज, फिर भी अस्पताल में की तोड़फोड़। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी और फरसे चले, झगड़े में 3 युवक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है। कल रात 9 बजे मोहसिन खान, फरहान खान और नईम खान एक ढाबे से जैसे ही बाहर निकले
तो 10-15 युवकों ने उनको घेर लिया और लाठी और पर्सों से उन पर हमला कर दिया। दोनों ही पक्ष सिटी कोर्ट वाली पहुंचे, जहां दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर क्रॉस कायमी दर्ज कर ली है और जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भेज दिया। झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने अस्पताल पहुंचने पर भी विवाद किया। इस दौरान इनमें फिर से विवाद हो गया और आपस में भिड़ गए। इस घटना के बीच अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों पक्षों को नियंत्रित किया। नहीं अभी बदल ही पूरा तरह हो रही पट्टी। कल रात में मेरे भाई जो हैं जीनगर होटल है जीनगर में, वहाँ पर खाना खाने गए थे एक दोस्त की पार्टी को लेकर। और क्योंकि सम्मा से जो है हमारा पुराना रंजित से चली आ रही है, उस रंजित के तहत सम्मा और उसके भांजे आदिल ने जो है रंजिशन तहत एक प्रोग्राम बनाकर मेरे भाइयों को मारा। और उसमें एजू खान, इजराइल खान और सोहेल खान और छोटे भैया, इनने भारी हथियारों के साथ हमारे भैयाओं पे हमला कर दिया। और हम समझाने गए चूँकि एजू के पिताजी को, तो उनने हमारी बात को ना मानते हुए हम पर तलवारों से और लट्टों से वार कर दिया। इसकी रिपोर्ट हमने साहब सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। ऑल इंडिया मछुआ कांग्रेस मध्य प्रदेश के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ गुना में भी मछुआ कांग्रेस दिवस होटल सम्राट में मनाया गया। गुना के स्थानीय होटल सम्राट में मछुआ कांग्रेस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माझी समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं शिवपुरी से भी कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष गुना पहुंचे और उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मछुआ कांग्रेस का गठन किया है। अगर प्रदेश में या देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन मछुआ जाति के लोगों के लिए क्या क्या करेगी। ये भीसर में मछुआ कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में मछुआ दिवस मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज गुना में, अशोकनगर में और शिवपुरी तीनों जिलों में आज मछुआरों के बीच ये कार्यक्रम रखा गया है। उन्हीं कार्यक्रमों में हम अपने समाज से चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आए हुए हैं कि कांग्रेस ने जो मछुआ कांग्रेस बनाई है उस मछुआ कांग्रेस समाज के लिए क्या करेगी भविष्य में, और यदि सरकार बन गई कांग्रेस की देश में प्रदेश में, तो कांग्रेस मछुआरों के लिए माझी जाति के लिए क्या क्या करेगी, वही सब बताने आज हम आए हैं। क्योंकि मछुआ कांग्रेस का गठन करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने 6 सितंबर 2017 को, अभी पिछले महीने दिल्ली के अंदर, ये स्पष्ट कर दिया है इस मछुआ कांग्रेस का गठन करते हुए कि मेरा उद्देश्य है कि जब भी कांग्रेस सरकार में आएगी सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर के मछुआरों की समस्याओं को प्रायोरिटी बेस पर हल करूंगा। आज गुना में स्थानीय क्राइस्ट स्कूल में अशोकनगर और गुना जिले के लगभग 15 CBSE स्कूलों के बच्चों ने खेल शिविर में भाग लिया। आयोजन की शुरुआत क्राइस्ट स्कूल के फादर बाबू ने की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी खेलकूद शिविर का आयोजन किया गया था और यह दूसरा वर्ष है। इसमें भी सभी CBSE स्कूलों के बच्चों ने उत्साहित होकर खेलकूद में भाग लिया। हाँ यस बेटा, 400 मीटर में 2 राउंड हैं। एक राउंड, पहला राउंड आप अपने लाइन में लगाएंगे, अपने ही पेट में दौड़ेंगे। सेकंड थाउ
खेलों का। अभी अशोकनगर गुना से जो CBSE स्कूल्स के अंतर्गत जो खेलकूद चल रहा है, दो दिन का, एक दिन का खेलकूद, दूसरे दिन का कल्चरल कॉम्पिटिशन संपन्न होने कल संपन्न होगा, तो आज खेलकूद का है। तो 15 स्कूल से आए हुए हैं अशोकनगर और गुना के। ये CBSE का रूल्स है जो CBSE स्कूल जो अफिलिएटेड है उनका एक साथ खेलकूद करवाना, कंपटीशन करवाना, वो उनका नियम के अंतर्गत है। इसलिए हम पिछले साल हम शुरू किया था ये जो खेलकूद, और इसी साल ये दूसरा साल है जो सहोदया के अंतर्गत जो CBSE स्कूल का खेलकूद चल रहा है। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र सिंह राजपूत आज गुना के स्थानीय सत्यम होटल में जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में पधारे। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेश दीक्षित और समस्त पत्रकारों ने मिलकर जिला जर्नलिस्ट वेलफेयर के अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सिंह राजपूत को नियुक्त किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पत्रकारों के बीच अपने अनुभवों को भी साझा किया। जो आए सामने दो पत्रकार बन जाता है वो पत्रकार आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने कोई पत्रकारिता नहीं किया मेरे भाई साहब। हम सब एक ही हैं, सबसे पहले तो ये जाने कि ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। पत्रकारिता में तो जो अच्छी खबर कर रहा है वो पत्रकार है, वो जो नहीं कर रहा है वो पत्रकार नहीं है। आज से 3 साल पहले प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक देश में गठन हुआ था, उसमें मेरे को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष जबरदस्ती बनाया गया। मैं बनना नहीं चाह रहा, हालांकि मेरी पीड़ा ये थी पत्रकारिता और पत्रकारों के जिस तरह से गिरावट आ रही है वह चिंतनीय है, क्योंकि मैं जिस हसरत के साथ खुद पत्रकारिता में आया, मैं सरकारी नौकरी छोड़ कर आया, और मेरी उम्मीद थी कि मैं इस पत्रकारिता में रह के समाज के लिए देश के लिए कुछ करूँ। मैं भास्कर में डीजे आनंद न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।